हेलो दोस्तों, फिर से आपके पास स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं वो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं ये एक नया सिस्टम, यानी कह सकते हो आप एक न्यू टेक्नोलॉजी टाइप। यानी मिक्सर में आपको एम्पलीफायर देखने को मिलेगा, या कह सकते हो आपको एम्पलीफायर में मिक्सर देखने को मिलेगा, 2-in-1 मिक्सर विद एम्पलीफायर। तो दोस्तों, इसका हम करेंगे रिव्यू और टेस्टिंग। तो चलते हैं, पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, कुछ स्पेसिफिकेशन जानते हैं, मिक्सर का क्लोज लुक पूरा दिखाता हूँ मैं, कैसे देखने में मिलता है, फिर टेस्टिंग करते हैं, देन फिर हम जानेंगे इसकी कुछ बातें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है, तो नीचे दिए लाल कलर के बटन को जाकर सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट साइड से, तो कुछ ज़्यादा डिटेल हमें देखने को मिलती नहीं है। सीधे हम चलते हैं इसको अनबॉक्स करते हैं। सो पैकिंग तो काफ़ी अच्छी करी है, मैं इसको एक बार ही ओपन कर चुका हूँ क्योंकि मुझे टेस्ट करना होता है पहले रिव्यू से पहले, ताकि मैं कंफर्म हो जाऊँ कि आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट मिले। सो यहाँ पे कुछ ऐसे पैकिंग होती है मिक्सर के साइड और साइड, बस दोस्तों यहाँ पे यही है। बाकी यहाँ पे आपको मिक्सर विद एम्पलीफायर, पावर मिक्सर जैसे हम कह सकते हैं, वो देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एक पावर पोर्ट देखने को मिल जाती है, ये कुछ इस टाइप की, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है एक मैनुअल गाइड। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है यूज़ करते वक्त, आप इसको ज़रूर पढ़े क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी टाइप है। तो चलते हैं आगे और पहले मैं मिक्सर को दिखाता हूँ आपको। तो आइए, तो दोस्तों आप यहाँ पे मिक्सर दे सकते हो विद एम्पलीफायर वाले को, और यहाँ पे आपको जो ब्रांडिंग है वो है न्यूट्रॉन प्लस की, तो आप यहाँ पे इस नाम से इस मिक्सर को जान सकते हो। बाकी जो इसका मॉडल नंबर है वो दोस्तों है EM802। तो आपको जब भी परचेस करना है तो ये मॉडल नंबर को याद रखेगा और ये ब्रांड नाम को याद रखेगा। बाकी यहाँ से हम शुरुआत करते हैं इसके कुछ फीचर्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको माइक का इनपुट देखने को मिल जाता है, लाइन का इनपुट देखने को मिल जाता है, गेन हाई मिड लो का नोब देखने को मिल जाते हैं, सैंड AFX का भी आपको नोब देखने को मिल जाता है, पैन के लिए आपको यहाँ पे नोब देखने को मिलता है, PFL का भी आपको सिलेक्शन का एक बटन दे रखा है, पीक का यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, ये हो गया हमारी फेडर यानी इस चैनल की। सेम एज इट इज यहाँ पे आपको 8 चैनल तक के लिए देखने को मिल जाता है, जो भी फीचर्स हैं सेम ऐसे ही आएंगे यहाँ तक। फिर यहाँ के हम आगे की बात करते हैं, तो ये टैप के लिए आपको देखने को मिल जाता है फेडर, ये AFX के लिए आपको देखने को मिल जाता है, बाकी ये दो हमारे लेफ्ट राइट फेडर हो गए मेन वाले यानी मास्टर वाले। तो इसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो ये वाला जो पैनल आपको देखने को मिल रहा है, ये पैनल होता है AFX सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आपको 16 DSP डिजिटल मल्टी AFX देखने को मिलते हैं, तो आप इसे दोनों को चूज़ कर सकते हो। बाकी ये यहाँ पे आपको इस वाले पैनल पे देखने को मिलता है, सबसे ऊपर आपको फैंटम पावर यानी 48 वोल्ट की फैंटम पावर, प्लस के प्लस यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, फ़ोन लेवल यानी जो हमारी ये PFL वाला होगा तो ये यहाँ पे ये काम करेगा इसके लिए PFL के लिए। बाकी हम इससे ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको ग्राफिक इक्वलाइजर देखने को मिलता है छोटा सा। तो दोस्तों बेसिकली छोटा सा ग्राफिक इक्वलाइजर है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन काम चलाओ है, अच्छा है, मैंने क्वालिटी सुनी है इसकी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं इस वाले पैनल पे, तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा वो होगा इसका वॉल्यूम यानी USB का, जो इस वाले पैनल के लिए यूज़ होगा, यानी इस वाले पैनल के लिए यूज़ होगा जो हमारे मल्टीमीडिया डिजिटल MP3 प्लेयर के लिए यूज़ होता है, तो ये वाला आपको ये नोब देखने को मिल जाता है। सेकेंड TR रिटर्न यानी जो हमारे सेकेंड TR के जो रिटर्न है यहाँ के लिए ये वाली नोब हो गई। AFX के लिए आपको सेपरेट दे रखा है, यानी AFX के लिए भी आपको सैंड का जो AFX है यानी इस वाले पोर्शन के लिए यहाँ पे आपको एक सेपरेट नोब देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको सैंड के लिए भी एक अलग देखने को मिलती है, तो आप यहाँ पे ऐसे कुछ देख सकते हैं। बाकी यहाँ से अगर हम ऊपर बढ़ें तो दोस्तों ये वाला जो पैनल आता है यहाँ पे आप माइक्रो USB कार्ड यूज़ कर सकते हैं, यानी ये मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप USB भी लगा सकते हैं, MP3 in, और ये सब स्विच देखने को मिल जाता है। बाकी आपको यहाँ पे मोड देखने को मिल जाता है, यानी आप USB लगाइए और ये सारे आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं उन फाइल्स के अंदर, यानी आप गाना सिलेक्शन कर सकते हैं, मोड आप सिलेक्शन करेंगे यानी ब्लूटूथ यानी आप USB यानी आप माइक्रो, तो दोनों में से तीनों में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों आपको यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलता है। पीछे की साइड से मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसा देखने को मिलता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे वेंटिलेटर दे रखे हैं ताकि जो कूलिंग हो वो बकायदा बनी रहे। और पीछे की साइड आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो पीछे की साइड आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सिंपली यहाँ पे पावर ऑन ऑफ स्विच का बटन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको इनपुट देखने को मिल जाता है जो कि पावर पोर्ट की इनपुट है, यहाँ पे आपको दोनों की स्पीकर्स की आउटपुट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ 200+200 है यानी 4 ओम पे एक्चुअल पावर,
और यहाँ पे ये आपको ये राइट और लेफ्ट टीआरएस वाला भी देखने को मिल जाता है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फ़ैन, तो फ़ैन अच्छा लगा मुझे देख के कि कूलिंग बनी रहेगी, क्योंकि इतने बड़े उसको कूलिंग ज़रूरी है, यानी एम्पलीफायर भी है इसके अंदर और आपको मिक्सर भी देखने को मिलता है, तो फ़ैन तो ज़रूरी होना ही चाहिए था। यहाँ पे आपको DSP प्रोफेशनल पावर मिक्सर देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाती है, सो वेंटिलेटर के लिए भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल आप इसकी मोटाई देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, यानी प्रोफेशनल टाइप का मिक्सर लग रहा है मुझे। तो चलते हैं आगे और आगे हम इसकी कुछ टेस्टिंग करते हैं, तो चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, तो यहाँ पे जो आपको पावर आउटपुट देखने को मिलेगी 4 ओम पे, वो होगी 200 वाट, यानी जो ड्यूल चैनल है इसके अंदर, यानी 200A चैनल में, 200B चैनल पे 4 ओम पे आपको ये देखने को मिलेगी। बाकी इसके अंदर इनबिल्ट रिकॉर्डिंग, ब्लूटूथ, EFX और USB का, SD कार्ड का, काफ़ी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली यही मेरा कहना है कि आपको अगर एंट्री लेवल हैं, यानी बिल्कुल अभी आपने DJ स्टार्ट करा है, साथ के साथ आप कुछ ऐसा लेना चाहते हैं जो कि मल्टीमीडिया के साथ आए और एक एम्पलीफायर भी हो, उसमें मिक्सर भी हो, तो आप इसके तरफ जा सकते हैं। बाकी ये जो इसकी लुकिंग है गुड, और ये जितना भी फिनिशिंग है वो मेरे को देखने में तो अच्छा लग रहा है। बाकी हम इसको करेंगे टेस्ट, तो टेस्ट पे एक ऐसा परफॉर्मेंस देता है तो वो हमारे लिए मायने रखता है। तो चलते हैं और आगे हम इसको टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आप अभी देख सकते हो इस मिक्सर विद एम्पलीफायर को। सो अभी मैंने तो सब सेटअप कर लिया, यानी एक माइक लगा चुका हूँ, इनपुट कर चुका हूँ, और ये यहाँ पे मैं स्पीकर भी लगा चुका हूँ, स्पीकर से कनेक्ट कर चुका हूँ। मैं आपको पीछे से एक बार दिखा देता हूँ। सो आप यहाँ पे स्पीकर देख सकते हैं। चलते हैं हम इसकी पहले पावर ऑन करते हैं और रिस्पॉन्स देखते हैं इसका क्या आता है। सो मैंने यहाँ से पावर ऑन करी और फ़ैन यहाँ पे चल रहा है, अभी आपको आई थिंक आवाज़ आ रही होगी, फ़ैन यहाँ पे चल रहा है। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, फेडर उठाया मैंने, ओके फेडर उठाया मैंने, हॉली चेक हॉली। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आवाज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पे मैंने इफ़ेक्ट्स को अभी ऑन नहीं करा है। सो अभी ये जो आवाज़ आप सुन रहे हो ना, ये है स्पीकर, यानी इसके साथ। अभी मैं देखिए स्पीकर ऑन हटाता हूँ, हले वन नहीं, कोई आवाज़ नहीं आएगी स्पीकर की, लेकिन यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा जैसे ही मैं स्पीकर लगाऊंगा, छे हले, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी आवाज़, वो भी इस मिक्सर से। तो ये काफ़ी अच्छा है, यानी कॉम्पैक्ट है विद एम्पलीफायर, मिक्सर के साथ भी आप मज़ा ले सकते हो। तो ज़्यादा कोई लफड़ जफड़ नहीं होता है कि इसको उठाओ उसको रखो, तो ऐसे आप देख सकते हो। बाकी हम यहाँ पे जो आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलती है, बेसिकली दोस्तों मैं आपको पास से दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे पास से देख सकते हैं, ये यहाँ पे डिस्प्ले है। ये बेसिकली दोस्तों क्या है कि ये इफ़ेक्ट्स का सिलेक्शन देती है हमें। यहाँ पे आप दो बटन देख सकते हो, अप एंड डाउन। यहाँ पे मैं पहले तो ऑन कर ले रहा हूँ, यहाँ सेट पे सेट करते हैं। तो अभी तो आपको कुछ ज़्यादा इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले हो, लेकिन है इफ़ेक्ट्स। अभी हम चलते हैं 2 नंबर पे, हले हले चेक हले वन। तो 2 नंबर पे आप ऐसे इफ़ेक्ट्स को देख सकते हैं, हले हले चेक हले हले वन टू। इसको मैं यहाँ पे सेट करता हूँ जो अच्छा लगे, हले। तो अभी इफेक्ट्स देख सकते हैं, हले चेक वन टू, हले चेक 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 चेक, हले 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 चेक वन टू, हले चेक 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 वन टू, टेस्ट टेस्ट। सो क्वालिटी तो ठीक आ रही है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी ये इसका यहाँ पे हो गया, हले वन टू हले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है कुछ इस टाइप का। मैं अभी इफेक्ट्स बंद कर देता हूँ ताकि आपको सही से आवाज़ आ सके। बाकी अगर आपको ब्लूटूथ जो है वो यहाँ पे आपको डालना होगा, यानी ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सके, तो ये वाली डिस्प्ले काम आएगी, इफेक्ट्स के लिए ये वाली डिस्प्ले काम आएगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है USB, ब्लूटूथ, इनपुट USB, ये सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो चलते हैं पहले और आगे हम इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, तो चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले जो आपको ऊपर वाली डिस्प्ले होगी, यहाँ पे आपको मोड का बटन दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है मोड वाले पे। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ लाना है, ब्लूटूथ लाने के बाद आपको फ़ोन से अपने जाके कनेक्ट करना है ब्लूटूथ। सो मैं तो कनेक्ट कर चुका हूँ,
और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ उसको कैसे प्ले करना है। तो इस वाली जो पैनल के लिए आपको जो वॉल्यूम यूज़ करना पड़ेगा, यानी जो नोब होगी वो मेन होगी ये USB वॉल्यूम के नाम से। तो इससे आप इस जो पैनल का जितना भी वॉल्यूम अप डाउन का काम होगा वो इस वाले नोब से ही होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाकी ये फेडर को आप ना छेड़ें तो मेरे ख्याल से अच्छा ही है। बाकी ये वॉल्यूम इसके लिए हो गया। तो चलते हैं यहाँ पे, मैं गाना प्ले करता हूँ कोई। सो ये बढ़ाया। सो अभी आप देख सकते हैं मैं इससे भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने वॉल्यूम कम करा, मैं यहाँ से इसको कोशिश करता हूँ, फुली कर दिया मैंने। तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है कि आपका एक कंट्रोल, एक जो आपका मिक्सर है उसका कंट्रोल आपके फ़ोन के अंदर है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर लगा मुझे इस ब्लूटूथ का, इस मिक्सर के अंदर। सो आप यहाँ पे बाकी माइक का तो मैंने आपको ऑप्शन दिखाई दिया है, आप साथ के साथ इसमें माइक भी चला सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और ये गाना भी प्ले हो रहा है। हले चेक 1 2 1 हले चेक। और EFX आपको इसके अंदर टोटल आपको जो देखने को मिलेगा वो 16 अलग तरीके के आपको EFX देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर हैं तो बहुत पॉसिबल नहीं है कि दोस्तों हर एक फीचर को मैं एक एक बारीकी तक जा सकूं। तो बाकी आपको मिक्सर कैसा लगा वो मेरे लिए मायने रखता है। बाकी इसके भी मैंने आपको टेस्टिंग दिखाई तो काफ़ी अच्छा है, बाकी रिकॉर्डिंग के साथ आपको देखने को मिलता है तो रिकॉर्डिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं और बात कहूँ कि इसकी प्राइस क्या होगी, तो दोस्तों यहाँ पे जो इसकी प्राइस रखी गई वो तकरीबन 15,000 रुपये। तो यहाँ पे 15,000 रुपये प्राइस रखी गई है, और अगर आपको इसको परचेज़ करना है तो परचेज़ करने के लिए मैंने नीचे मेल आईडी साथ के साथ यहाँ पे फ़ोन नंबर भी मैंने मेंशन कर रखा है, तो वहाँ पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। बाकी आपको कैसी लगी क्वालिटी तो वो मेरे लिए मायने रखती है, तो ज़रूर से नीचे कमेंट बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, फ्री है चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं आता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।